हे गाइस, ये हैं चटपटे भल्ले। और आई थिंक भल्ले तो सबको पसंद होंगे ही, दही भल्ले। और वैसे भी मार्च का महीना है और होली आ रही है, तो होली पर तो ये चीज़ें चलती ही हैं। खट्टी मीठी चटपटी, बहुत कुछ, बहुत ही हेल्दी हेल्दी पकवान बनाए जाते हैं घरों में और मिलकर खाए जाते हैं, क्योंकि गेस्ट भी आते हैं। तो होली खेलने के बाद जब बहुत थक जाते हैं ना, तो मन करता है यार घर का बना हुआ कुछ चटपटा, तीखा मीठा, बहुत ही टेस्टी सा आ जाए। तो आज हम बनाते हैं भल्ले। तो उसके लिए मैंने उड़द धुली दाल भिगो दी है, लगभग ये 100 ग्राम के बराबर है। और इसको मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह देखा है तो काफ़ी सॉफ्ट चुकी है, देखिए हाथ से ही टूट रही है। और उसके बाद मैं इसका पानी निकाल दूंगी, किसी स्ट्रेनर में इसको इस तरह से डाल करके पानी पूरा निकाल लेंगे। और उसके बाद मिक्सर जार में डाल करके इसको अच्छे तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इसका स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, पानी नहीं होना चाहिए गाइस बिल्कुल भी दाल में। और इस तरह से स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद, और अब हम एक और प्रोसीजर करेंगे कि इसको फेंटना है अच्छे ढंग से। फेंटने का भी एक अलग तरीका है कि एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, कभी राइट तो कभी लेफ्ट नहीं। अगर आप लेफ्ट पर घुमा रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ ही फेंटना है, अगर राइट पर घुमा रहे हैं तो राइट की तरफ ही, जिससे कि हमारे भल्ले जो हैं बहुत ही स्पंजी बनने वाले हैं। तो इस तरह से इसको फेंटते हुए लगभग मुझे 5 मिनट जब हो जाएंगे, तो इसमें हम ग्रीन चिली, अदरक, ये सब डाल देंगे। ये मैंने कट करके रखी हैं बारीक, चॉप करके रखी है आई थिंक। तो अब ये मैंने इसको अच्छे ढंग से इसमें मिक्स कर देना है। थोड़ा नमक डाला है इसमें मैंने, और जीरा भी डालेंगे इसमें। आप चाहें तो भुना डाल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा जीरा चलेगा क्योंकि हमने इसे फ्राई भी करना है। तो आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं है। तो ये डालने के बाद हम इसे 5 मिनट और इसी तरह से फेंट लेंगे। आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च स्टार्टिंग में ही डाल करके सीधा 10 मिनट्स इसको फेंट लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। मिक्सचर कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमें इस बर्तन को उल्टा करके देखना पड़ेगा। जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इस बर्तन को थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे इस तरह से, और देखिए कुछ भी गिरेगा नहीं। इसका मतलब कि ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है भल्ले बनाने के लिए। तो ऑयल को हमने फुल फ्लेम पर गर्म कर लिया है तेज़, उसके बाद हम लोग फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और अब हम देख लेंगे कि ऑयल कितना गर्म हो गया है। मैंने काजू रख लिए थोड़े से, मैं काजू के भी बनाऊंगी, बट अभी काजू को मैं थोड़ा सा साइड कर दूंगी क्योंकि अभी हम सिंपल बनाएंगे। उसके लिए हाथों का थोड़ा सा गीला कर लेंगे जिससे कि बैटर चिपके ना, क्योंकि स्टिकी सा हो जाता है तो बनाने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से हाथों में थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और हम देख लेंगे ऑयल कितना गर्म है। बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ऑयल के बीच में भल्ला जाते ही रेड हो जाए। हमें ब्राउन करना है उसको, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट गर्म है ये, बहुत तेज़ गर्म नहीं है। फ्लेम मीडियम पर है, लो टू मीडियम रखनी है हमने फ्लेम को। और काजू को भी हमने साइड कर दिया, अभी हम सिंपल बनाने लगे हैं। तो इस तरह से एक एक करके भल्ले को इसमें छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से जितना इजीली आ जाए इसमें उतने भल्ले इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ नहीं लगे होने चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिससे कि पलटने में भी इजी हो। तो जब हमें लगेगा ये थोड़े से ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, साइड से पता लग जाएगा, तो हम वन बाय वन इन्हें पलटना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा और फ्लेम हमारी मीडियम ही है। फुल फ्लेम पर अगर हम इन्हें पकाएंगे तो ये ऊपर से तो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें पलट दिया है सबको, और जब थोड़ा सा टाइम हो जाए एक आधे मिनट के बाद इन्हें फिर से इन्हें थोड़ा सा पलटना है। तो इस तरह से जब ये ब्राउन कलर में आ जाएंगे ना, तो इन्हें बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए शेड बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, इसी तरह से दूसरे भी सारे के सारे भल्ले बनाकर तैयार कर लेंगे।
इसमें हमारे 40 से 50 भल्ले बन जाएंगे, जितना भी बैटर है हमारे पास। तो अब हम काजू के बनाएंगे। इस तरह हाथ में बैटर लिया और काजू को बीच में सेट कर दिया। एक बार फिर देखिए, ये मैंने बैटर लिया, काजू को बीच में सेट किया और इस तरह से ये काजू के भल्ले बन जाएंगे। है ना कितने इजी। बस इन्हें फ्राई करते टाइम ध्यान रखना है और बैटर कैसे बनाना है ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हमारे 40 से 50 भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट भल्ला कैसा होता है, जब हम इन्हें बीच में से इस तरह से तोड़ेंगे ना और इन्हें थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये वापस उसी शेप में आ जाएगा, स्पंजी सा बन जाएगा। इसका मतलब कि भल्ला बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसे इस तरह से प्रेस करने से ये चिपकना स्टार्ट हो जाए अंदर से, तो इसका मतलब ये अंदर से कच्चे रह गए हैं। ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, वापस वही शेप ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। लो टू मीडियम फ्लेम में बनाने हैं इन्हें। अब इन्हें 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं इसे चटपटा बनाने की, यानी कि दही और इसके लिए चटनियाँ। सबसे पहले हम बना लेते हैं मीठी चटनी, जो कि भल्ले में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है और बनाने में बहुत इजी है। तो गाइस आइए फटाफट बना लेते हैं इसे। ये मैंने 100 ग्राम इमली ली है और उसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और अब इसे भिगो 2 घंटे हो चुके हैं। तो इसे मैं छान लूंगी, इसका पल्प अलग कर लूंगी और ये जो इसका वेस्ट होगा इसको अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये इसका पल्प अलग हो चुका है और वेस्ट हमने फेंक दिया है। और 200 ग्राम हमारी अगर इमली थी तो गुड़ भी मैंने तोड़ लिया है, 400 ग्राम के बराबर गुड़ लिया है मैंने। और डबल क्वांटिटी में गुड़ लेना है जितनी इमली है, क्योंकि ये सौंठ मीठी होती है थोड़ी सी। तो हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम ऑयल में बनाना है इसे। लगभग 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है और उसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है और जो पल्प रेडी किया था ना वो सारा का सारा पल्प मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे 5 मिनट तक इसी तरह से कुक करेंगे। 5 मिनट तक इसे कुक करने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक आप वाइट या ब्लैक कोई भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली डाली है। आप चाहें तो इसमें अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट अदरक आप ग्रेट करके जब आप इमली को भिगोएंगे ना तभी डाल देना। और रेशे नहीं रहने चाहिए, पल्प बहुत अच्छे तरह से छना हुआ होना चाहिए। और ये मैंने गुड़ डाल दिया है 200 ग्राम इमली में, 400 ग्राम के बराबर मैंने गुड़ डाला है। गुड़ अपने आप से मेल्ट हो जाएगा क्योंकि इमली बहुत तेज़ गर्म है। 5-7 मिनट हो चुके हैं इमली को पकते हुए इसी तरह से। और कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा, ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा सा आ गया है। तो अब मैं इसमें चीनी भी डाल दूंगी, 2 चम्मच के बराबर। चीनी डालने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा सा, बिल्कुल भल्ले वालों के सॉर्ट की तरह आ जाएगा। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट मीठा है एकदम से। अब भल्लों को पड़े हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें भिगो लेते हैं। ठंडे हो चुके हैं ये, तो एक बॉल में मैंने गुनगुना पानी ले लिया है। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। और इसमें हम उतने भल्ले डिप कर लेंगे जितने हमने यूज़ करने हैं, बाकी के भल्लों को पानी में नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी में डालने के बाद इनकी लाइफ 2 या 4 दिन की रह जाती है। जबकि अगर हम इन्हें सूखा रखेंगे फ्रिज में तो हम 15 से 20 दिन तक इन भल्लों को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन्हें हमें भिगोने के लिए वेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये भिगेंगे नहीं। इनके ऊपर वेट रख करके फिर इन्हें कवर करना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इन्हें ऐसे ही भिगो कर रखेंगे। जब तक भल्ले भीग रहे हैं तब तक जो हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी इमली और गुड़ की, उसे और भी टेम्पटिंग और भल्ले के लिए और भी परफेक्ट बनाने की कोशिश कर लेते हैं। फ्लेम को फुल पर करके बर्तन को गर्म कर लिया है। आप फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और मेलन सीड्स लेंगे 2 टीस्पून,
2 टीस्पून मेलन सीड्स डाल करके, हमें अगर लगेगा कि ये मेलन सीड्स काफ़ी पॉपअप हो रहे हैं, उछल रहे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती है, कई बार तो आपका जो पैन है वो इतना गर्म हो जाता है कि फ्लेम को आप ऑफ कर देंगे तो भी ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे। लाइट सा ब्राउन करना है, ब्लैक नहीं करना है। तो ये हो चुके हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। मैंने थोड़ी सी किशमिश रेजन्स ले ली हैं और मेलन सीड्स भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इसमें मैं थोड़े से मेलन सीड्स डाल दूंगी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा। और ये मैंने किशमिश भी इसमें डाल दी हैं, जितनी आप लाइक करें उतनी। ये देखिए लग रही है ना टेम्पटिंग, बिल्कुल भल्लों के लिए परफेक्ट चटनी रेडी हो गई है। सॉट्स इसको बोल सकते हैं आप। अब हम बनाएंगे भल्ले में डालने वाला मसाला, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें डलती हैं जो कि डाइजेस्टिव होती हैं और भल्ले का टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है इस मसाले से। तो इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। एक पैन ले लिया है मैंने और इसमें 4 चम्मच के करीब जीरा ले लिया है। जीरा को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे और फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम रखेंगे, इतना कि ये ब्लैक ना होने पाए, बस ब्राउन करना है इसे। तो इस तरह से थोड़ा सा चलाते हुए इसको भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। इसमें हमने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो जब हमें इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो सूखा साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने पिसा हुआ डाला है। लगभग 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 4 चम्मच जीरा था। तो इस तरह से इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसे रोस्ट करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे काला नमक। काला नमक डाल दूंगी मैं 1 चम्मच के बराबर। और इस तरह से हम रोस्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट डालते जाएंगे इसमें जो भी हमें चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच काली मिर्च और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हींग। हींग मैंने इसमें 1/2 चम्मच के करीब डाली है। हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इस मसाले को आप रायते में, दही में, कहीं भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाली है इसमें। और इस तरह से अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी रेड चिली। रेड चिली 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। ये मसाला चटपटा सा बन जाता है। काली मिर्च और ये लाल मिर्च जो है वो लास्ट में डालनी है। फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि मसाला ब्लैक ना हो जाए, जल ना जाए या स्मेल बहुत तेज ना आ रही हो, तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। और जब ये मसाला गरम गरम ही है तो अब हम इसे बेलन से थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। इसे बहुत बारीक नहीं करना है तो ही मज़ा आएगा इसका। तो मैंने इसको शेल्फ पर फैला लिया है और इस तरह से थोड़ा सा बारीक कर लूंगी, बहुत बारीक नहीं करना है। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं भल्लों की तरफ। तो भल्ले जो हैं वो 20 मिनट भीग चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं इन्हें भीगे हुए। तो अब हम इसे इस तरह से स्क्वीज कर करके दूसरे बॉल में निकाल लेंगे। इनका पानी अच्छे ढंग से निचोड़ लेंगे, इससे इसका ऑयल भी निकल जाएगा। इसमें से हैवीपन निकल रहा है, देखिए ऑयल बाउल में आ चुका है। अब एक बार फिर हम इन्हें भिगोएंगे गुनगुने पानी में। पानी तेज गर्म नहीं होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा ज्यादा गर्म लग रहा है तो मैं इसमें ठंडा मिला रही हूँ। इसे बस गुनगुना ही रखना है जैसे पहले रखा था। और इसमें मैं यही सीजनिंग मसाला जो अभी हमने रेडी किया है वही वाला सीजनिंग डाल दूंगी इसमें। और थोड़ी सी हींग भी डाली हुई है उसमें, नहीं तो आप अलग से भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। भल्ले इसमें भिगो देंगे और सेम वैसे ही वेट रख देंगे जैसे हमने पहले रखा था। 20 मिनट्स और इन्हें भिगोना पड़ेगा, 20 मिनट्स पहले भिगोया था। जब तक भल्ले भीगे हैं तब तक हम हरी चटनी बना लेते हैं। हरी चटनी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है, बाकी सबका अपना तरीका है। तो मैंने 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम पुदीना ले लिया है और कुछ गार्लिक क्लव्स ले लिए हैं, थोड़ी सी जिंजर और ग्रीन चिल्ली और कच्चे आम भी ली है। कच्चे आम भी ना हो तो मुझे मिल गई थी गाइस, तो मुझे अच्छी लगती है। तो आप इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कच्चे आम भी वगैरह
सब कुछ काट करके मिक्सर जार में डाल दिया है और मिक्सर जार को ग्राइंड में ग्राइंड कर लिया है इसे। और ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने एक चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च डाली है और साथ ही मैं इसमें हींग भी डालना चाहूँगी। हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ में डाइजेस्टिव भी होती है हींग, तो डालिएगा ज़रूर, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और ये मैं 2 चम्मच के बराबर दही डाल रही हूँ, दही से भी बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ग्राइंड करने के बाद ये चटनी हमारी तैयार है ना, इजी बहुत। 20 मिनट्स हो गए हैं भल्लों को सीजनिंग वाले पानी में भीगे हुए, तो इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही होगी इस टाइम जीरे की और हींग की। तो ये हमने तैयारी कर ली है। दही को भी मैं आपको बता दूँ, रात को मैंने कपड़े में बांध के रखा था, जब ये गाढ़ी हो गई सुबह मैंने इसे ब्लेंड किया है और बहुत ही बटरी सी दही बनकर तैयार हुई है। और ये मैं भल्ले निकाल रही हूँ, भल्लों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करके निकाल लीजिएगा, जितने भल्ले चाहिए उतने भल्ले निकाल लीजिएगा, बाकी के भल्ले इसमें भीगे रहने दीजिएगा क्योंकि पानी के बिना गीले भल्ले रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। सूखे भल्ले तो आप डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, बट ये भीगे हुए भल्लों का पानी डेली चेंज करना पड़ेगा और 4 से 5 दिन तक चल जाएंगे। तो इस तरह से भल्लों के ऊपर मैं दही डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें चटनियाँ डालूँगी जो अभी बनाई है। मीठी चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो मीठी की क्वांटिटी ज़्यादा डालिएगा, तीखी ज़्यादा पसंद करते हैं तो तीखी की क्वांटिटी ज़्यादा डालिएगा, और सबका अपना अपना टेस्ट है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों चटनियों को एडजस्ट कीजिएगा। उसके बाद मैं इस पर डालूंगी सीजनिंग जो अभी हमने बनाई थी, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ले आते हैं। इसे आप रायते में भी डाल सकते हैं सीजनिंग को, वैसे ही दही में डाल के भी खा सकते हैं। और उसके साथ ही मैं इस पर थोड़ा नमक डालूंगी, वाइट नमक या ब्लैक नमक कुछ भी आप डाल सकते हैं, रेड चिली भी डाली है मैंने इस पर, बहुत ही टेस्टी यमी एंड सॉफ्ट बने हैं गाइस ये, देखिए तोड़ने में भी कितने ईजी हैं। तो आप इसे टेस्ट करके बताइएगा गाइस ये आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं विद ऑल बेल बटन। तो गाइस खाकर बताइएगा ज़रूर, एक कमेंट छोड़िएगा जिससे कि बहुत ही कॉन्फिडेंस जो होता है बूस्ट होता है। सो गाइस टेक केयर, स्टे हेल्दी।